फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्शियस किचन एंड लाइफस्टाइल। जैसा आप सभी जानते हैं कि इंडियन थाली पिकल्स के बिना इनकम्प्लीट है, तो हम आज एक पिकल रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही इंस्टेंटली बन जाती है और यह बहुत पुराने टाइम से खाते आ रहे हैं और बहुत ही डिलीशियस लगती है। इस रेसिपी को हम साइड डिश की तरह भी यूज कर सकते हैं और इसको हम मिर्ची करौंदे का अचार भी कहते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस इंस्टेंट अचार को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ये करौंदे, जिनको मैंने बीच में से सिलेक्ट कर लिया है, और इसमें से जो अगर सीड्स हैं तो निकाल भी सकते हैं और आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये मिर्ची, इनको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, आप इनको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मस्टर्ड ऑयल, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हींग 1 पिंच, जीरा 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, कलौंजी 1/2 टेबल स्पून, सॉल्ट टेस्ट, टर्मरिक पाउडर और ये धनिया पाउडर। सबसे पहले ऑयल को पैन में डाल दिया है। नेक्स्ट हम ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इसमें हींग पाउडर डालेंगे। नेक्स्ट इसमें हम जीरा डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, सॉल्ट एज पर टेस्ट डाल सकते हैं। मिर्ची डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे हम हल्दी थोड़ी कम यूज़ करेंगे, जिससे कि कलर इसका अच्छा रहेगा, ग्रीन कलर ही रहेगा मिर्ची का और इसका रेड कलर, एक कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए और इसमें हमें वाटर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अपने आप ही पानी छोड़ देगा। और इसको 3 मिनट्स के लिए ऐसे बंद करके बस रख देंगे लो फ्लेम पे, ये अपने आप ही कुक हो जाएगा। इंस्टेंट अचार इज रेडी, गैस को हमने बंद कर दिया है। इस अचार को हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके भी रख सकते हैं 7 to 8 days के लिए, और इसको हम बस पूरी के साथ, पराठे के साथ बहुत इंजॉय कर सकते हैं। ये अचार खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। अगर आप किसी सफ़र पे जा रहे हैं तो इस अचार को आप साथ में ले जा सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट।